Hello and welcome to this lecture, students. Today's topic is insulated gate bipolar transistor. IGBT is a new development in the area of MOSFET technology. This device combines into it the advantages of both MOSFET and BJT. BJT or MOSFET ke combination se banta hai ye device. So an IGBT has high input impedance like a MOSFET and a low on state power loss as in a BJT. BJT में पावर लॉस कम होता है और MOSFET में इनपुट इम्पीडेंस हाई होता है, तो दोनों के एडवांटेजेस को कंबाइन कर दिया गया है, ठीक है, IGBT में। फर्दर IGBT इज फ्री फ्रॉम सेकेंड ब्रेकडाउन प्रॉब्लम प्रेजेंट इन BJT। IGBT इज ऑल्सो नोन एज मेटल ऑक्साइड इंसुलेटेड गेट ट्रांजिस्टर, कंडक्टिवली मॉड्यूलेटेड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और गेन मॉड्यूलेटेड FET, इतने सारे नाम हो सकते हैं इसके, ठीक है। इट वॉज ऑल्सो इनिशियली कॉल्ड इंसुलेटेड गेट ट्रांजिस्टर, IGT भी बोलते थे इसको पहले। बेसिक स्ट्रक्चर एंड वर्किंग, ये जो है बेसिक स्ट्रक्चर है आपके IGBT का, आप देख सकते हैं ये एमिटर, ये गेट और ये गेट है, ये एमिटर, ये एमिटर टर्मिनल, दो एमिटर टर्मिनल को एक साथ शॉर्ट करके बनाया गया है। यहाँ पे गेट है, बाकी पी टाइप का सबस्ट्रेट है, करंट पाथ है, ये कलेक्टर है। तो आप देखिए BJT, ये एमिटर, ये कलेक्टर, आपको BJT वाला आपको BJT की फील आएगी यहाँ से, और जो सेंटर वाला एलिमेंट है इससे आपको पता चलेगा कि MOSFET भी है इसमें, ठीक है। तो इट इलस्ट्रेट्स दी, दिस फिगर इलस्ट्रेट्स दी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन IGBT। इट इज कंस्ट्रक्टेड वर्चुअली इन द सेम मैनर एज अ पावर MOSFET। देयर इज हाउएवर अ मेजर डिफरेंस इन द सबस्ट्रेट, द एन प्लस लेयर सबस्ट्रेट एट द ड्रेन इन अ पावर MOSFET इज नाउ सब्स्टिट्यूटेड इन IGBT बाय या पी प्लस लेयर। पावर MOSFET में अगर हम बात करते थे तो वहां पे एन प्लस लेयर होता था, यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे जो रिप्लेसमेंट है वो क्या कर दिया गया है, पी प्लस लेयर का रिप्लेसमेंट कर दिया गया है, इसको हम लोग कलेक्टर भी बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। लाइक अ पावर MOSFET एंड IGBT ऑल्सो हैज थाउजेंड्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर सेल्स कनेक्टेड अप्रोप्रिएटली ऑन अ सिंगल चिप ऑफ सिलिकॉन। IGBT में भी बहुत सारे सेल्स होते हैं जो सिलिकॉन लेयर के ऊपर अप्रोप्रिएटली कनेक्ट किए जाते हैं। व्हेन गेट इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू एमिटर, जब गेट पॉजिटिव होता है एमिटर के रिस्पेक्ट में, यहां से देखिए, जब गेट पॉजिटिव है एमिटर के रिस्पेक्ट में तो क्या होगा, गेट एमिटर वोल्टेज मोर देन द थ्रेशोल्ड वोल्टेज ऑफ IGBT, जब जैसे ही वोल्टेज की वैल्यू जो है थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज्यादा हुई, एंड एन चैनल इज फॉर्म्ड इन द पी रीजन एज इन अ पावर MOSFET, एक एन चैनल का फॉर्मेशन होता है, ये एन चैनल फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, गेट के अक्रॉस आप देख सकते हैं, है ना, ये एन चैनल का फॉर्मेशन है पूरा। दिस एन चैनल शॉर्ट सर्किट्स द एन प्लस रीजन एंड एन प्लस एमिटर रीजंस, एंड इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इन द एन चैनल इन टर्न कॉजेस सब्सटेंशियल होल इंजेक्शन फ्रॉम पी प्लस सब्सट्रेट लेयर इनटू द एपिटेक्सियल एन माइनस लेयर, इवेंचुअली अ फॉरवर्ड करंट इज एस्टैब्लिश्ड एज शोन इन फिगर 2.16, ठीक है। तो फॉरवर्ड करंट जो है वो एस्टेब्लिश हो जाता है जैसे जैसे आप इस वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, गेट टू एमिटर वोल्टेज की वैल्यू को, और आप गेट को पॉजिटिव रखते हैं एमिटर के रिस्पेक्ट में, ये एन चैनल का फॉर्मेशन होता है, यहाँ से भी जो है आपको एन माइनस लेयर से भी यहाँ पे देख सकते हैं ये करंट एस्टेब्लिश हो रहा है यहाँ से, ये इस तरीके से करंट एस्टेब्लिश, ये करंट का पाथ है, ये इस तरीके से यहाँ से करंट एस्टेब्लिश हो रहा है, ठीक है। The three layers P plus N minus NP constitute a PNP transistor. कौन कौन से लेयर है, P plus है, N minus है और P है। P plus ये है आपका P plus substrate, ये N minus और ये P, तो ये PNP जो है ट्रांजिस्टर, जो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है उस तरीके का यहाँ पे आपको इमेज दे रहे हैं। एंड P plus जो है वो एमिटर का काम कर रहा है, जो ये जो P plus है, जो P प्लस है वो किसका काम कर रहा है, एमिटर का काम कर रहा है, और जो N माइनस है वो क्या कर रहा है, बेस एंड PS कलेक्टर का काम कर रहा है। आल्सो N माइनस P एंड N प्लस लेयर्स कॉन्स्टिट्यूट NPN ट्रांजिस्टर एज शोन इन फिगर 2.17, ठीक है। तो इस तरीके से PNP ट्रांजिस्टर और कहना चाहिए NPN ट्रांजिस्टर, एक तरफ अगर हम लोग ले लेंगे तो NPN हो जाएगा, अगर आप N माइनस लेयर को लेंगे, N प्लस लेयर को लेंगे तो NPN हो जाएगा, अदरवाइज अगर आप पी वाले लेयर को लेंगे तो PNP हो जाएगा, दोनों तरीके से कंस्ट्रक्शन हो सकता है इसका, ठीक है। जैसे ये जो 2.17 है वो किसके तरीके से दिखा रहा है, NPN के तरीके से, वो वाला PNP के तरीके से दिखाया गया, तो दोनों तरीके से आप इस डिवाइस को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं।
IGBT का कैरेक्टरिस्टिक दी सर्किट जो है ये जो आपको दिखाया गया 2.18A में ये जो सर्किट है शोज दी वेरियस पैरामीटर्स पर्टेनिंग टू IGBT कैरेक्टरिस्टिक। बहुत सारे पैरामीटर्स यहाँ पे दिखाए गए हैं और आप देख सकते हैं कि किस किस तरीके से जैसे जैसे ये VGES की वैल्यू जो है VGE4 एटसेट्रा ये मतलब VGE1 से ज्यादा VGE2 फिर VGE3 फिर VGE4 VGE5 तो इस तरीके से जो रिलेशन है वो बनता है। ये कलेक्टर करंट फ्लो होता है ना। ये कलेक्टर करंट की वैल्यू जो है यहाँ पे दिखाई गई है VGE के रिस्पेक्ट में। VGET जो है वो क्या कर रहा है एमिटर टू गेट टू एमिटर वोल्टेज है जो उसको कंट्रोल कर रहा है ठीक है। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि स्टैटिक VI और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन IGBT शोज द प्लॉट ऑफ कलेक्टर करंट IC वर्सेस कलेक्टर एमिटर वोल्टेज VCE फॉर वेरियस वैल्यूज ऑफ गेट एमिटर वोल्टेज GE। गेट एमिटर मतलब VGE उसके लिए VCE की वैल्यू देखना है ना। यहाँ पे ये एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा ये है VCE, ये VCE है और ये IC है और ये गेट एमिटर वोल्टेज यहाँ से आपको मिल रहा है। ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक है, ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है ठीक है। इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन द शेप ऑफ द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स इज सिमिलर टू दैट ऑफ द BJT बट हियर द कंट्रोलिंग पैरामीटर इज गेट एमिटर वोल्टेज VGE बिकॉज IGBT इज अ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। The transfer characteristic of an IGBT is a plot of collector current IC versus gate emitter voltage VGE as shown in figure 2.18C. ये है 2.18C. इसमें क्या बताया गया है आपको कि collector current versus gate emitter current का plot है। This characteristic is identical to that of the power MOSFET. When VGE is less than the threshold voltage VGET, IGBT is in off. ये है आपका threshold voltage. इस थ्रेशोल्ड वोल्टेज से लेस वैल्यू रहेगी अगर आपकी VGE की। देखिए कोई करंट यहाँ पे फ्लो नहीं होगा, जैसे थ्रेशोल्ड वोल्टेज पार करोगे क्रॉस करोगे ये देखो यहाँ पे आपको करंट की वैल्यू मिलने लगती है ठीक है। व्हेन डिवाइस इज ऑफ जंक्शन J2 ब्लॉक्स फॉरवर्ड वोल्टेज एंड इन केस रिवर्स वोल्टेज अपीयर्स अक्रॉस कलेक्टर एंड एमिटर जंक्शन J1 ब्लॉक्स इट। तो ये पूरी कहानी है जो इस तरीके से यहाँ पे होती है। स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरीके से स्विचिंग होती है। स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन IGBT ड्यूरिंग टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ आर स्केच्ड इन फिगर 2.19 तो यहां पे बताया गया है ठीक है। टर्न ऑन टाइम इज कंपोज्ड ऑफ टाइम डिले एंड राइज टाइम। टाइम डिले और राइज टाइम मिला के टर्न ऑन टाइम बनता है, दैट इज टी ऑन इक्वल्स टू टी डी एन प्लस टी आर। द डिले टाइम इज डिफाइंड एज द टाइम फॉर द कलेक्टर एमिटर वोल्टेज टू फॉल फ्रॉम VCE टू 0.9 VCE। इतना टाइम जिस टाइम पे VCE 0.9 VCE पे पहुंच जाए 90% ऑफ VCE वैल्यू पे चला जाए उसको हम बोलते हैं डिले टाइम। हियर VCE इज इनिशियल कलेक्टर एमिटर वोल्टेज। TDN मे आल्सो बी डिफाइंड एज द टाइम फॉर द कलेक्टर करंट टू राइज फ्रॉम इनिशियल लीकेज करंट टू द 0.1 IC ठीक है। हियर IC इज द फाइनल वैल्यू ऑफ द कलेक्टर करंट। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं इस फिगर को है ना। तो अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये है आपका VGE, ये VGET आपका थ्रेशोल्ड वोल्टेज है। ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज जैसे ही क्रॉस होता है वैसे ही आपको कलेक्टर करंट की वैल्यू मिलने लगती है। तो यहाँ से देखिए आपको कलेक्टर करंट की वैल्यू मिल रही है और ये कांस्टेंट है इस पूरे पीरियड में जहां जहां तक ये VGET ये है आपका ये VGET। अब देख सकते हैं इन दोनों के बीच में IC की वैल्यू कॉन्स्टेंट है, उसके पहले नहीं है उसके बाद नहीं। VGET जो है आपका एक तरीके से कहना चाहिए ये एक फ्रीक्वेंसी बैंड टाइप का आपको दिख रहा होगा एम्पलीफायर में जैसे हम बनाते थे है ना। तो ये VCE की वैल्यूज के ये 0.9 VCE यहाँ पे अचीव हो रहा है, ये 0.9 IC यहाँ पे अचीव हो रहा है। तो दोनों VCE और IC के लिए ये स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक को बनाया गया फॉर्म के लिए ठीक है। द राइज टाइम TR इज द टाइम ड्यूरिंग व्हिच कलेक्टर एमिटर वोल्टेज फॉल्स फ्रॉम 0.9 VCE टू 0.1 EC उसको राइज टाइम बोलते हैं। इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द टाइम फॉर द कलेक्टर करंट टू राइज फ्रॉम 0.1 IC टू इट्स फाइनल वैल्यू IC। तो ये अलग अलग डेफिनेशन है राइज टाइम की डिले टाइम की, उसको आप लोग देख लेंगे है ना और उस हिसाब से आपको कैलकुलेट कर लेना उन चीजों को। ये टर्न ऑफ टाइम इज समवॉट कॉम्प्लेक्स, इट कंसिस्ट ऑफ 3 इंटरवल्स, एक डिले टाइम होता है, एक इनिशियल फॉल टाइम होता है और एक फाइनल फॉल टाइम होता है। तो ये इसका कैलकुलेशन है। डिले टाइम जो है वो टाइम है जिसमें जो है गेट वोल्टेज फॉल हो जाएगा थ्रेशोल्ड वोल्टेज से नीचे। अब जब VGET से नीचे चला जाएगा तो आपका जो कलेक्टर करंट है वो IC से 0.9 IC में चला जाएगा। एट द एंड कलेक्टर एमिटर वोल्टेज जो है वो राइज होगा ठीक है उस फॉल के कारण, वो करंट फॉल के कारण। द फर्स्ट फॉल टाइम TF1 इज डिफाइंड एज द टाइम ड्यूरिंग व्हिच कलेक्टर करंट फॉल्स फ्रॉम 90% to 20% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू IC और द टाइम ड्यूरिंग व्हिच कलेक्टर करंट वोल्टेज राइजेस फ्रॉम VCS टू 0.1 VCE।
तो ये सारी चीजें हैं इसमें। द फाइनल फॉल टाइम टी एफ टू इज द टाइम ड्यूरिंग विच कलेक्टर करंट फॉल्स फ्रॉम 20 to 10% ऑफ आई सी और द टाइम ड्यूरिंग विच कलेक्टर करंट वोल्टेज राइजेस कलेक्टर एमिटर वोल्टेज राइजेस फ्रॉम 0.1 वीसी टू फाइनल वैल्यू वीसी। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि फॉल टाइम और राइज टाइम का कैलकुलेशन किस तरीके से यहाँ पे बताया गया है विथ रिस्पेक्ट टू द वैल्यू ऑफ वीसी एंड आईसी। वीसी 0.9 वीसी है, यहाँ पे 0.9 आईसी है, यहाँ पे देखिए 0.1। तो कब कहाँ से ये सिर्फ आप ये कर्व ध्यान रखेंगे, जहां पे कर्व फॉल हो रहा होगा उसके रिस्पेक्ट में और जहां पे कर्व जहां से राइज हो रहा होगा उसके रिस्पेक्ट में आपको जो टाइम की वैल्यूज है उसको लेके चलना है डिफाइन कर लेना, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट आईजीबीटीज बेसिक कंस्ट्रक्शन। कहाँ यूज होता है ये? आईजीबीटीज आर वाइडली यूज्ड इन मीडियम पावर एप्लीकेशन सच एज डीसी एंड एसी मोटर ड्राइवर्स, यूपीएस सिस्टम्स, पावर सप्लाईज एंड ड्राइवर्स फॉर सोलेनॉइड्स, रिलेस, कॉन्ट्रैक्टर्स। ओके, तो थ्रू आईजीबीटी दो आईजीबीटीज आर समवॉट मोर एक्सपेंसिव देन बीजेटीज, येट दे आर बिकमिंग पॉपुलर बिकॉज ऑफ लोअर गेट ड्राइव रिक्वायरमेंट्स, लोअर switching losses and smaller server circuit requirements. IGBT converters are more efficient with less size as well as cost as compared to the converters based on BJT. Recently, IGBT inverter induction motor drives using 50 to 20 kilohertz switching frequency are finding favor where audio noise is objectionable. जहाँ पे audio noise आपको नहीं चाहिए, frequency 50 से 20 kilohertz की जब switching होगी, तो IGBT inverter को आप prefer करेंगे। ठीक है, इन मोस्ट एप्लीकेशंस IGBTs विल इवेंचुअली पुश आउट BJTs. एट प्रेजेंट द स्टेट ऑफ आर्ट IGBTs आर अवेलेबल अप टू 1200 वोल्ट्स 500 एम्पीयर। तो 1200 वोल्ट और 500 एम्पीयर का जो रेटिंग है उस पे जो है ये वोल्टेज जो है आपको मतलब ये रेटिंग जो है वो है अवेलेबल। ठीक है, तो ये हो गया IGBT के पूरे कंस्ट्रक्शन के बारे में हमने पूरे डिटेल में पढ़ लिया। ठीक, तो इतना ही आपको इतना डिटेल में ना लिख के आप देखिए जो बेसिक कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने पढ़ा आईजीबीटी का, ये आपके आईजीबीटी का बेसिक कंस्ट्रक्शन है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसकी बेसिक वर्किंग आप ध्यान में रखेंगे, उसके बाद इसके कैरेक्टरिस्टिक को आप ध्यान में रखेंगे। अगर पूछता है आपसे स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक के बारे में तभी आप इसको ड्रॉ करेंगे, अदरवाइज यू डू नॉट टू रिमेम्बर दिस। ठीक है, ऊपर की चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कहाँ पे एप्लीकेशन है उसका ये चीज ध्यान में रख लेंगे। So this is all for today's lecture. We have studied about IGBT, its characteristics, its switching characteristics and applications. Thank you for listening and watching.